हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइनली सो वंस अगेन वेलकम टू चला दम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे, फिर फटोंगे। तो अभी हर व्लॉग की तरह अभी भी काम पे जा रहा हूँ, काम से आता हूँ, काम पे जाता हूँ, तो रास्ते में जो हम व्लॉगिंग करते हैं अपनी, इतना टाइम ही नहीं मिलता, तो लाइफ बहुत बिजी होती है। बाय द वे टाइम की तरफ सॉरी बाय द वे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक आज का ये है कि एयरपोर्ट से आपने अपनी अकोमोडेशन तक कैसे जाना है। तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो न्यू आते हैं यूके में, बल्कि आई थिंक 99% जो नहीं ही आते हैं पढ़ने के लिए यूके में। कई लोग होते हैं जिनके ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जो सॉरी जो ओवरसीज स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट कंट्री से आते हैं और ये जो कंट्री है ये बहुत डिफरेंट है, यहाँ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो और इसका इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत एडवांस है। तो जैसे ही जो है ना ओवरसीज स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको कोई पता नहीं होता कि ट्रेन कौन सी लेनी है, ट्रैम कौन सी लेनी है, हमने टैक्सी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मोर आवर जो है अब जो शेफील्ड में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली शेफील्ड सिटी में जो है कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, तो उनको जो है यार अनफॉर्चुनेटली फिर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है, क्योंकि क्लोजेस्ट जो एयरपोर्ट है शेफील्ड सिटी के वो मैनचेस्टर है। ठीक है, अब मैनचेस्टर से आप शेफील्ड कैसे आएंगे? अब आप न्यू कमर, आपको नहीं पता क्योंकि आप तो डिफरेंट मुल्क से आए हैं, यहाँ पे ट्रेन का क्या हिसाब है, टिकट कैसे लेनी है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहले दिन ही जो है ना आपका इम्तिहान शुरू हो जाता है, आपको सिम लेनी पड़ती है, आपके पास मोबाइल डाटा नहीं होता, आपको वाईफाई चाहिए होते हैं, आपको ऐप चाहिए होती है जो कि है ना इम्पॉसिबल काम हो जाता है आपके लिए। तो इससे बचने के लिए जो है ना यूनिवर्सिटी ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, वो है जी ट्रैवल डिपार्टमेंट है उनका। जो ओवरसीज स्टूडेंट्स आते हैं ना यूके में, तो एयरपोर्ट पे ना यूनिवर्सिटी जो है स्पेशल जो है बस भेजती है स्टूडेंट्स को लेने के लिए। तो अगर आप शेफील्ड एलम के स्टूडेंट हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अगर यूके आ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी जो है वो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं और ये बिल्कुल फ्री होती है, आपसे एक रुपया भी चार्ज नहीं करते, बिल्कुल मुफ्त की आपको सर्विस देते हैं। आपको एयरपोर्ट पर ख़ुद लेने आएंगे, उन्होंने हाथ में वो बोर्ड पकड़ा होगा जिसमें लिखा होगा, जैसा कि मेरा नाम सफील है तो बोर्ड पर आपका नाम लिखा होगा जी सफील, तो आपने उधर जाना है। तो वो एक बड़ा वेलकमिंग होता है, आप जाते हैं आप बहुत खुश होते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आप जब यूके आप एंटर होते हैं तो आपको इधर से इतनी हौसला अफजाई मिल जाती है, आगे जो है आप जो है क्या कहते हैं इतना कंफ्यूज नहीं हो पाते, पहले से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अगर आप यूके आए यूनिवर्सिटी के थ्रू आप ना आए, खुद ही आप आ जाएँ फिर टिकट वगैरह करें, तो आप शुरू में जब आप देखेंगे इतना कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आप सोचेंगे एंड पर भी कन्फ्यूज ही रहूँगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो है ना आप यूनिवर्सिटी को बुक करवाएँ, यूनिवर्सिटी से कहें जी हमें लेने आए। तो अप्लाई कैसे करना, आप सिंपल उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट सर्विस, वहाँ जाकर आप अपने डिटेल्स फिल कर सकते हैं। वंस यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर लेगी तो यूनिवर्सिटी जो है आपको बता देगी जी हम इतने बजे, आपने यूनिवर्सिटी को बताना है कि मेरी इतने बजे फ्लाइट है ये वो, तो उतने बजे वो यूनिवर्सिटी स्पेशल आपके लिए सर्विस चलाएगी। चाहे आप अकेले क्यों नहीं आ रहे, यूनिवर्सिटी अकेले बंदे के लिए भी जो है ना कोई गाड़ी शाड़ी का बंदोबस्त कर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सॉरी गाइस, मैं सांस चढ़े क्योंकि मैं आप फिल जा रहा हूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ हो यार, छोड़नी नहीं चाहिए, इतनी आप फीस दे रहे हो, ये कम से कम यूनिवर्सिटी का 100 बल्कि 200 पाउंड तो खर्चा आ जाएगा आपको आने लेके आने में और वापस दे के आने में, तो यानी कि आपकी फ़ीस में से 200 पाउंड माइनस हो गया। तो अपनी फ़ीस पूरी किया करो बजाय कि आप ज़ाया करो, तो इस तरह फीसें पूरी होती हैं भाई, यूनिवर्सिटी का फ़ायदा उठाओ। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी से जो है अपने घर के बिल भी लिए, यूनिवर्सिटी का मैंने बिजली का बिल दो ये वो, अभी यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रोसरी के पैसे लिए, 100 पाउंड मुझे यूनिवर्सिटी ने दिए जो कि जो है मेरा तकरीबन 5 महीने की मेरी ग्रोसरी हो जाएगी। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये ज़ाया नहीं करने चाहिए, आप लोगों को जो ना अपना फ़ायदा सोचना चाहिए और फीस पूरी करनी चाहिए। मैं जो है तकरीबन अपनी 20% फीस वैसे ही पूरी कर चुका हूँ, यूनिवर्सिटी से पैसे निकलवा चुका हूँ। तो इस तरह यहाँ पे गेमें शेमें डलती हैं, आपको जो है मैं शेयर करता रहूँगा, बाकी जो यूट्यूबर होते हैं वो शेयर नहीं करते। तो मैं यहाँ पर जितनी भी गेमें शेमें होती हैं मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। कई यूट्यूबर इस तरह की बातें करने से डरते भी हैं कि यार इस तरह की प्राइवेट बातें नहीं करते, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मुझे किसका डर नहीं है, मैं आपका फ़ायदा चाहता हूँ। तो इस तरह की अगर आप और सीक्रेट बातें सुनना चाहते हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सबसे इंस्टाग्राम पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सॉरी गाइस, मेरा सांस चढ़ा हुआ है इसलिए मेरी ना आवाज़ ठीक नहीं निकल रही। बस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।